गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रिया। आप लोग कैसे दोस्तों? मैं तो बहुत अच्छी हूं। और आज कर लेते हैं, शायद सब लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे, तो आज हम लोग भी एंजॉय करेंगे अपने घर के बाहर ही, अपने गार्डन में थोड़ा पिकनिक जैसा मना लेंगे। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं चूल्हे पे, वो भी वो गैस पे नहीं बनाएंगे आज हम लोग, नॉर्मली चूल्हे पे जैसे पहले जमाने के लोग बनाते थे उस टाइप का हम लोग आज बनाएंगे, वो भी हांडी चिकन बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, तो सब कुछ करते हैं। फाइनली हमने आग जला ली है और हांडी को गर्म कर लिया है और उसमें तेल डाल रही हूँ। और तेल गर्म हो चुका है तो हम उसमें खड़े मसाले और हरे मिर्च डाल देते हैं। उसके बाद हम लोग अपना चिकन मिक्स करेंगे। उसमें चिकन में मसाले ऐड कर दिए हमने और उसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। हमने इसमें टमाटर की प्यूरी भी ऐड की है, तो इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ताकि अच्छे से मसाले मिक्स हो जाए चिकन में। उसके बाद हम लोग इसमें देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो रहा है, कलर भी बहुत अच्छा दिख रहा है। तो इसमें हम प्याज डालेंगे। अब 1 से 1.5 केजी प्याज हमने लिया है, तो प्याज इसमें डलेगा ही। धीरे धीरे मिक्स हो रहा है सारे मसाले और प्याज मिक्स हो गया। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो उसको भी मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। हमारा मिक्स हो चुका है चिकन। अब मिक्स होने के बाद मसाले, अब हम इस हांडी को थोड़ा देर के लिए नीचे उतारेंगे और उसमें चिकन डालेंगे। धीरे धीरे ध्यान से डाल रही हूँ। ये सारा चिकन हम इस हांडी में डाल देंगे। लग रहा है पूरा हांडी भर जाएगा। ये मैं हांडी चिकन पहली बार बना रही हूँ, पता नहीं कैसा बनेगा। अगर सही ढंग से नहीं बना रही तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा किस तरह से बनाना होता है, तो मैं नेक्स्ट टाइम अच्छे बनाने की कोशिश करूँगी। दिख तो अच्छा रहा है। अब हम हांडी को चूल्हे के ऊपर रख देते हैं और इसको ढक्कन से ढक देंगे। और उसके बाद हम लोग आग जलाते रहेंगे। इसे नीचे से आँच कम होना नहीं चाहिए। अभी जब अच्छे से खौलने लगेगा जब हमारा मसाला, देखिए मसाले हमारे खौलने लगे बढ़िया से, और थोड़ा सा बहुत भर चुका था तो थोड़ा सा कम भी हो गया है। जैसे जैसे सीझता जाएगा वो कम होता जाएगा। पानी छोड़ दिया है हमारा चिकन और अच्छे से फ्राई होगा। हम इसको ढक ढक के करते रहेंगे, हर 5-10 मिनट पे चला रही हूँ ताकि वो अंदर चिपके ना। चूल्हे पे बनाने में बहुत अच्छा भी लग रहा था। आज धूप भी बहुत काफ़ी अच्छी निकली हुई थी, तो आज हमने डिसाइड किया कि चलो बनाते हैं। छोटा पिकनिक हो गया हमारा। ये देखिए मैं कैसे चला रही हूँ अभी। सारे लोग बैठे हुए थे यहाँ पे, बच्चे भी मस्ती कर रहे थे धूप की वजह से। बच्चों को भी बहुत मज़ा आ रहा था।
हमारा चिकन अब लगभग पकने ही वाला है, थोड़ी देर में पक जाएगा। ये देखिए हमारा चिकन रेडी हो गया है और हम इसमें थोड़ा धनिया पत्ता डालेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसको चूल्हे से नीचे उतार देंगे और हमारा हंडी चिकन रेडी हो जाएगा। ये मसाले भी काफ़ी अच्छे भुन गए हैं और स्मेल भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, तो बच्चों को भूख भी लगी है। देखिए कितना बहुत अच्छा दिख रहा था ये हांडी चिकन। पहली बार ट्राई किया लेकिन अच्छा बना, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है और लग रहा है, तो देखते हैं अब खा के कैसा लग रहा है। हमारा चिकन रेडी है और ये हमारा जीरा राइस, ये चिकन गया प्लेट में और खिलाते हैं सबको, देखते हैं कैसा बना है। दिखने में तो बहुत ही यम्मी। ये सारे लोग खा रहे, बच्चे भी बहुत चाव से खा रहे, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। हमने पूछा बच्चों से कैसा लगा तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय फ्रेंड्स।